अगर आप भी फिश खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में फिश फिंगर कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में और इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और इसके साथ ही बनाएंगे हम टार्टर सॉस, जिसके साथ फिश फिंगर को खाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। फिश फिंगर बनाने के लिए हमें सबसे पहले फिश चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पे आधा केजी बोनलेस फिश लिया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, तो फिले को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए, आप पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, उसके बाद इसके फिंगर साइज में पीसेस काट लेंगे। तो ये देखिए, आपने इसके ऐसे पतले पतले पीसेस काटने हैं, ज़्यादा मोटे पीसेस ना करें इसके। और एक बात, होटल और रेस्टोरेंट में डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया जाता है कटिंग के लिए, तो फिश को काटने के लिए हमेशा ही ब्लू चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया जाता है, और मीट को काटने के लिए रेड चॉपिंग बोर्ड, और पनीर डेयरी प्रोडक्ट को काटने के लिए व्हाइट चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, आपने इस साइज में फिश को काट लेना है। तो देखिए, मैंने सारी फिश काट ली यहाँ पे। इसके बाद हम फिश की फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले लेमन जूस। तो फिश में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेमन जूस का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक पूरा लेमन इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, और साथ में डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फर्स्ट मैरिनेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि जो सीजनिंग का टेस्ट होता है ना, वो फिश के अंदर तक चला जाता है। तो देखिए, फिश को मैंने यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको हम 20 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि नमक मिर्ची का टेस्ट फिश के अंदर तक चला जाए। फिर एक बाउल लेंगे और उसमें तोड़ेंगे एक एग, और इसके अंदर डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। तो अगर आपके मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और 3 चम्मच मैंने देखिए यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट के डाल दिए हैं। साथ में डालेंगे एक बड़ा चम्मच मैदा। मैदा आपकी फिश को अच्छी कोटिंग देगा बाहर से। अब इनको हमने अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए, आपने भी इसका ऐसा थिक सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। और ये जो हमने मस्टर्ड पेस्ट का यूज़ किया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मस्टर्ड कसुंडी पेस्ट होता है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमारा फिश की कोटिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब ये हमारी जो मैरिनेट की हुई फिश है ना, इसको भी हमने इस बैटर के अंदर डाल देना है। पर जो भी फिश के अंदर पानी वगैरह होगा ना, उसको आपने निकाल देना है। ये देखिए, इसका यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी फ़िश को अच्छी कोटिंग नहीं मिलेगी। अब हमने फ़िश को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मैंने फ़िश के बैटर में नमक तो नहीं डाला था, क्योंकि जो मस्टर्ड कसुंडी पेस्ट होता है ना, इसमें ऑलरेडी पहले नमक रहता है। अगर आपके पास मस्टर्ड कसुंडी पेस्ट ना हो तो आप इसके बैटर में थोड़ा सा नमक का यूज़ भी कर लें। तो देखिए, फ़िश को मैंने अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद आपने एक फ़िश का पीस लेना है और उसको अच्छे से बाहर से कोटिंग लगा लेनी है। और देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम लिया एक प्लेट में, तो आपने इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे ब्रेड क्रम डालना है। ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होनी चाहिए ब्रेड क्रम की, नहीं तो फिश आपकी खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए, सारे पीसेस को आपने ऐसे ब्रेड क्रम से कवर कर देना है, ज़्यादा दबाना नहीं है हाथों से। तो ये देखिए, मैंने सारी फिश यहाँ पे ब्रेड क्रम से बाहर से कोट कर दी है। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम टू लो होना चाहिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में इसको फ्राई ना करें, क्योंकि अगर इसको हाई टेम्परेचर में फ्राई करेंगे ना, तो ब्रेड क्रम बाहर से एकदम ही जल जाएगा। और इसके बाद आपने फिश को एकदम से हिलाना नहीं है, नहीं तो उसकी ब्रेड क्रम की जो कोटिंग होती है ना, वो छूट जाती है। थोड़ी देर बाद हिलाएंगे, जैसे इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा। फ़िश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। और अगर आपने पतले पतले पीसेस काटे होंगे तो आपकी जो फिश है ना, बहुत ही जल्दी फ्राई जाएगी और अच्छी बाहर से क्रिस्पी बनेगी। और एक बात, लास्ट में अच्छा गोल्डन कलर देने के लिए आप गैस की जो फ्लेम है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो फिश है ना, वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो मैंने आपको फ़िश फिंगर बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताई है। आप इस रेसिपी से एक बार फ़िश फिंगर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब टार्टर सॉस बना लेते हैं, क्योंकि फ़िश को खाने के लिए टार्टर सॉस बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच मेयोनीज ली है। इसमें डालेंगे ब्रीक कट हुआ प्याज, प्याज आपका जो रेड कलर का प्याज होता है ना, उसका आपने यूज़ करना है। साथ में यहाँ पर गर्किन डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर गर्किन चॉप करके ऐड किया है। साथ में यहाँ पर थोड़ी सी पार्सले डालेंगे और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास गर्किन पार्सले कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मेयोनीज में प्याज डाल दीजिए ब्रीक काट के, आपकी टार्टर सॉस तब भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए, टार्टर सॉस भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो
तो आप भी इंजॉय कीजिए इस फिश फिंगर की रेसिपी को टार्टर सॉस के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। थैंक यू।